फिलहाल साइड पे तो आ गए भाई, साइड पे तो आ गए, लेकिन अभी तक सेटिंग वाले नहीं आए, क्योंकि इसमें पूरा एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम लग गया, अभी तक कोई नहीं सेटिंग, नई सेटिंग बनानी पड़ रही, लगानी पड़ रही, कुछ इनके बंदे भी आराम आराम से काम कर रहे हैं। देखो आज भी इतना रह गया, अभी बाहर का छज्जा भी हो रहा है, यहाँ से फ्रंट से पूरा बाहर का छज्जा आएगा, पीछे का भी रहेगा और अंदर की भी जगह जगह का रह गया। अभी भी रास्ते में 10 बज रहे भाई, मैं तो आ गया था, फिलहाल उधर बन रही है जलेबी, तो जलेबी खाने चल रहे, तब तक नाश्ता भी हो जाएगा बढ़िया। चलो भाई आप आ तो गए, 10:30 बजे आए भाई ये सरिया वाले 5 बंदे, अब इनका काम है उधर से खाट आ गया इधर लाना, इधर करेंगे खिट्टा, काफ़ी मेहनत लगने वाली है। और ऊपर से चल रही रोड, ये देखो क्या काट हो रहा भाई, ट्रक व्रक, ये रोड कुछ ज़्यादा ही चलती है हमेशा, इधर मार्केट लगी हुई है, इधर ये चल रहा है, इसलिए बंदा ज़्यादा लाया भाई। चलो ठीक है, ठीक जा रहा है, अपना सरिया सीधा होता हुआ 16 की बार तो फुल जोरों शोरों से काम कराया जाता है। अरे के खड़ा है, पूरा चमकीला बन के खड़ा रहता है, कोई बता देगा ठेकेदार है, ऐसा बताएगा कोई लोफर आके खड़ा हो गया यहाँ पर भाई। और भाई भी हमारे साइड पे घूमते हुए अपनी साइड का इस्तीफा दे दिया इन्होंने, कितने 21 मंडल रखा। तो आज आए हैं भाई अंकुर भाई को लेके हम राजस्थानी मिष्ठान, देखते हैं आज खाना मिलता नहीं मिलता, वैसे तो ज़्यादातर यहाँ पे भीड़ ही रहती है, लगा दे कहीं भी लगा दे, पार्किंग कम एरिया है यहाँ पे। मिल गई आज तो मिल गई जगह भाई दोनों को। ठंडा हो जाए इससे पहले काले। जनता दल में रोटी नहीं है क्या? चलो भाई फिलहाल खाना पीना तो हो गया मस्त, अब आ गए अपनी तिलक रोड वाली साइड पे, देखते क्या हो रहा है, कल तो आया नहीं था मैं। हाँ भाई नंगे पर इतना ही बजरी गिर रही सुबह से शाम तक, यहाँ दिख रही है ऊपर, क्या देखू यहाँ से भी तो तू लेके जा रहा है ऊपर देख लो, यहाँ तक पड़ी थी, हाँ हाँ यहाँ तक ही पड़ी थी, फैली हुई है ना, ये भी पैक हो गया है, सही है, हिल तो नहीं रही दीवार, हाँ हिलेगी तो भाई लंबी हो गया ना थोड़ा सा, और 4 इंच का है, धीरे धीरे करनी पड़ती है बस मसाला फसा फसा के, बाकी तो सेट हो जाएगा, उसके बाद कौन सी उठाओगे, टॉयलेट वाली वाली आगे तो बढ़िया लग रहा है, जिन्ना भी कल बन गया, इसकी तराई नहीं करी ना ही घोल मारा यार इस पर, बजरी देख रहे इसने पूरे दिन में इतनी गहरी है, मैं कह रहा ऊपर आके देख बजरी भाई, इतनी तगड़ी गर्मी लग रही ना फिलहाल, लेकिन यहाँ से ऋषिकेश की अच्छी फीलिंग आती है क्योंकि शहर के बिल्कुल बीच बीच में है ये साइड अपनी, फिलहाल गर्मी लग रही बहुत ख़तरनाक, जैकेट पहन रखी है ना, पहन के रखनी पड़ती है, चलते रहते हैं तो ठंड भी लगती रहती है गर्मी भी लगती रहती है, अभी ऊपर आ गए तो गर्मी लग रही है और फिलहाल चल रहे नीचे। चलो 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 आर्मी क्रॉसिंग भाई, आर्मी क्रॉसिंग हो रही है फिलहाल, तो हम रुके हुए हैं इस टाइम नटराज चौक, गाइस फिलहाल फ्री तो हो गए हैं, लेकिन एक काम मिल गया है जो कि मुझे जाना पड़ रहा है भानियावाला, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, 30-35 किलोमीटर है, 7 मोड़ होके जाना पड़ेगा, तो निकल पड़े हैं मैं अकेले, वहाँ पे क्या है ना लेबर है अपनी, तो लेबर को लेके आना है, तो जो कि 2 लेबर 2 मिस्त्री 4 बंदों को लेके आना है भाई, यार रखे थे इधर ही तो वो था साइड पे, तो मुझे जाना पड़ रहा है, देखो कितना मस्त मस्त व्यू आएगा भाई यहाँ का, देखो क्या बढ़िया व्यू आ रहा है एकदम एक नंबर का, तो ऐसे ही रास्ता बस मुश्किल से 1 घंटा लगेगा आने और जाने में, लेकिन मैंने साइड देखी भी नहीं है, तो मुझे इसलिए मैं सोच रहा हूँ साइड भी देख लूँगा और घूम के भी आ जाएंगे, बढ़िया एकदम घूमते घूमते चल रहे हैं यार, घूमते घूमते आ जाएंगे, फिलहाल तो अभी देहरादून में, देहरादून नहीं अभी ऋषिकेश का जो पुल है वो पार करा, अब यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाएगा अपना यार, इस टाइम शाम का व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा। फिलहाल पहुँच गए भाई, सामने क्या लिखा, झील वाला, यार यहाँ के नाम भी अजीब से होते हैं, देखो ये लिख रहा क्लियर नहीं दिखने का आपको, झील वाला लिखा हुआ है, तो अभी सबसे पहले मंगा लेते हैं लोकेशन, क्योंकि मुझे पता नहीं है यार कहाँ जाना है कैसे, अभी सीधे सीधे तो आ गए रोड पे, लोकेशन मंगाएंगे तब आगे चलेंगे, कभी आगे निकल गए पीछे हो गए तो वही होता रहेगा वही होता रहेगा फिर, लेकिन शाम के टाइम का कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, देखो मस्त आ रहा है ना एकदम, ओह ओह
स्कॉर्पियो घूम घूम के जा रही है भाई। भाई चलते चलते पहुंच गए एकदम जंगल में, और आगे अभी ये बोले थे कि जंगल पार करके जाना है घमंडपुर में, तो घमंडपुर पहुंचने वाले, जंगल ही जंगल आ रहा है एकदम, पूरा का पूरा जंगल ही जंगल। और इनसे लोकेशन नहीं भेजी जा रही किसी से भी, किसी से ही बंदे से लोकेशन नहीं भेजी जा रही, तो मैं ऐसे ही पूछ पूछ के ही जा रहा हूँ बस। चलो भाई पहुंच गए अपने पटाखा फैक्ट्री, यहाँ बन रहा है पटाखे की फैक्ट्री, फायर वर्क शॉप। ये देखो बहुत दिनों के बाद गाड़ी यहाँ खड़ी होती है, इतना ढूंढने के बाद पहुँच ही गए। ये बिल्कुल अंदर चल रहा है स्टोर हाउस, भाई मस्त बना रखा है एकदम, पूरा खतरनाक फीलिंग आ रही है, बढ़िया। अब यहाँ से आधे घंटे में जाना होगा, अब तक घूम लेते हैं इधर, हो सकता बार बार भी आना पड़े। सही है जगह एकदम बढ़िया। तो ये है भाई पटाखा फैक्ट्री, स्टोर हाउस बना रखा लेकिन है पटाखा फैक्ट्री। 1, 2, 3, 4, 5 दो हम बनाने जा रहे, एक और एक उधर बन रही है, तो फिर दिवाली तक ही से रेडी करना है हमें, दिवाली से पहले पहले मतलब कि होली तक ही करना है, क्योंकि फिर पटाखे भी बनने हैं ना यहाँ पे, तो देखते हैं कितना टाइम और लगता। फिर बमबारी होएगी इधर, तो बोनस के तौर पे इस बार तुम्हें पटाखे मिलेंगे। किस किस का कौन कौन सा फेवरेट है? मुर्गा छाप या अनार बम? उड़ने वाले बम। एक ही बार लगाओ आदमी को उड़ा दो, और कॉलम को ना उड़ा दे, कॉलम को नहीं उड़ाएगा इसको, कॉलम को कहाँ उड़ा देगा। छोटे छोटे यार, बड़ी सी फैक्ट्री होनी चाहिए थी अब पूरी बनाने को, मजा आता है ना फिर। ओ पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया, मिस्त्री आ जा जल्दी यार। ठीक है वाले, अपनी अपनी सीट पकड़ लीजिए वरना मैं जा रहा हूँ, रात में चुड़ैल उड़ैल कुछ भी मिल सकती, भूत प्रेत भी रहते हैं गांव में। कुछ नहीं रहता है भाई जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें डरा रहा हूँ यार, तुम समझ नहीं रहे हो, डरो तुम लोग। चलो मिस्त्री बैठ जा यार, इससे भी गोद में को रख लिए बस कपड़े इसमें, जरा जल्दी आ जाओ यार, टीम मेरी वर्कशॉप बना के छोड़ देंगे, पहले बनाएंगे इसे फिर बनाएंगे इसमें बम, ठीक है? सारा काम हमारे पास ही होना चाहिए, तैयार करना, हाँ कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है? चलो सब बम तैयार करने, दिखेगा चालू है। घर आते ही हमें खाना बनाना सबसे मुश्किल बात, दृश्यम 2 एडिटर चला दे, और फिलहाल मैं करता हूँ अपनी एडिटिंग, और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। दो दो एडिटिंग करनी पड़ती ना यार, मैं आजकल कम सो पा रहा हूँ, तो व्लॉग भी आजकल कम ही बना रहा हूँ, लेकिन बढ़िया बन रहा है जैसा भी बन रहा है।